अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद का दूसरा दिन आप सबको मुबारक हो और उम्मीद है आप सबकी ईद भी बहुत ज़बरदस्त जो है सेलिब्रेट हो रही होगी। तो हम भी बहुत मज़े से ईद मना रहे हैं। तो आज है ईद का दूसरा दिन, तो ईद के दूसरे दिन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ईद मनाई जा रही है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे और जो है ईद का दिन जो है सब खुशी खुशी मनाएं। तो मैं आज जो है ईद पे मैंने ये वाला ड्रेस पहना है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी जो है कुर्ती है लॉन की और उसके साथ है पैरेट कलर का ट्राउज़र और इस पर मैंने ये वाला जो हिजाब है कैरी किया है, वाइट दुपट्टा है इस पर। और मेरी सिस्टर आई हुई है मेरे पास, तो हम दोनों मिलके जो है ईद मना रहे हैं। तो शाम के टाइम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आज मौसम हो गया था हैदराबाद का और हल्की फुल्की बारिश अचानक से शुरू हो गई, तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत ही खुशी की एक लहर जो है हो गई। बच्चे बाहर निकले घर से और इन्जॉय करने लगे, तो बहुत मज़ा आता है जब जो है रेन का मौसम होता है, रेनिंग हो रही होती है, तो बहुत खुशी होती है। तो हम दोनों सिस्टर्स जो है शाम के टाइम ही मेरी सिस्टर आई हुई थी हमारे घर, तो हम दोनों ने जो है मूवी देखी साथ मिलकर और हमने जो है चाय पी शाम की। और मैंने जब भी वो शाम को आती है तो डिनर के लिए मैं ज़रूर उसे जो है कहती हूँ कि डिनर करके जाना, ज़ाहिर है मेरी सिस्टर है तो डिनर के बिना कैसे उसको जाने दूँगी। तो इससे पहले हमने शाम के टाइम जो है खूब सारी बातें की, एंजॉय किया, बहुत गपशप की और बहुत ज़्यादा बातें की टिकटॉक के बारे में और जो ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है और सब कुछ ऐसे जैसे क्या क्या चल रहा है वो बातें की सब। तो उसने एक पुरानी उसकी पिक्चर थी वो उसको कहीं से मिल गई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी, याद दिला रही थी कि ये देखो, और वो सारी बातें कर रहे थे। इसके अलावा टिकटॉक को जो न्यू ईद वाले टिकटॉक उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसके अलावा ये मुझे वो दिखा रही है एक उसके पास बेस थी जो जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, तो मुझसे मेरे साथ वो शेयर कर रही थी कि ये बहुत अच्छी जो है। और इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया। और फिर उसके बाद मैंने जो है चाय बनाई आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आज आप क्या बनाने वाली हैं। आज जो है आज फिर चिकन बनेगा और चिकन का बनेगा सालन और उसके साथ चावल की रोटी की फरमाइश हुई है तो वो बनाऊंगी। ओके, साइड में कोई चीज़ फ्राई करेंगे, इस्त्री वगैरह, अच्छा शामी कबाब वगैरह फ्राई करेंगे, कोई भी। तो चाय के बाद फिर मैं जो है वेजिटेबल्स कट करने लग गई रात की जो है डिनर की तैयारी के लिए, तो साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं और मैं जो है सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है जब मेरी सिस्टर आती है, हम दोनों की आपस में बहुत केमिस्ट्री मिलती है और अंडरस्टैंडिंग है, तो हम दोनों की सोच भी एक जैसी है, तो बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं बहुत सारी टॉपिक्स पर, तो अच्छा लगता है। वो आती है मेरे घर, तो उसके बाद फिर हमने जो है डिनर रेडी कर लिया। तो चिकन ग्रेवी मैंने रेडी किया और उसके साथ मैंने बनाया चावल की रोटी, क्योंकि बहुत दिनों से जो है पूरे रमज़ान हमने चावल की रोटी नहीं खाई थी, तो बहुत सबका मन कर रहा था कि आज जो है चावल की रोटी, क्योंकि हमारी ये फेवरेट होती है, अक्सर हम बनाते हैं, तो रमज़ान में तो नहीं बन पाई थी इफ्तारी सहरी में,
तो आज हमने ये वाला जो सालन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी और चावल की रोटी बनाई और सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो ना अच्छा लगे तो फिर भी लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री होता है। तो इसके साथ मेरे जो सिस्टर का चैनल है लाइफ विथ मरियम, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बहुत मज़ेदार से व्लॉग्स और रेसिपीज़ वीडियोज़ होते हैं, वो आप ज़रूर विज़िट करें, और अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो उसके बाद हमने पी कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी गपशप की, और उसके बाद फिर मेरी जो सिस्टर थी वो अपने घर चली गई। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।